थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 10 जुलाई को यहां पर मतदान हुआ था। बीजेपी के उम्मीदवार है कमलेश शाह और कांग्रेस के धीरन शाह उम्मीदवार, दोनों के ही बीच जबरदस्त मुकाबला। देखना होगा कि आखिर कौन जीतता है, क्योंकि 8:30 बजे के करीब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि यहां मुकाबला त्रिकोणीय है, बीजेपी कांग्रेस और जीजीपी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी प्रत्याशी यहां पर उतारे गए हैं चुनावी मैदान में, और वोटों के बाद अब गिनती की बारी है, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर अमरवाड़ा का रण किसने पता किया है। 10 जुलाई को ही मतदान हुआ था। राजेश करमले संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राजेश, 8 बजे 8:30 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, वहां पर किस तरह की हलचल? देखिए, काउंटिंग के लिए यहाँ तमाम तरीके की व्यवस्था की जा चुकी है। हम अभी इस वक्त काउंटिंग का जो स्थल है वहीं मौजूद है। मेरे पीछे तरफ देख रहे हैं आप, ये जो बनाया गया है उद्घोषणा कक्ष है, यहाँ से हर राउंड की घोषणा आधिकारिक तौर पे कलेक्टर करेंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी। इसके अलावा जो मेरे साइड में जो बनाया गया है, यहाँ से काउंटिंग होगी। यहाँ पर अभी तमाम व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इसके बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। जी, 19 राउंड है जो हमारी जानकारी है, तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जी ठीक है, 1:30 से 2 बजे तक ये पता चल जाएगा कि आखिर अमरवाड़ा का रण किसने पता किया है। लेकिन अगर थोड़ा अमरवाड़ा को भी समझे तो यहां ना केवल दो पार्टी बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला है। जीजीपी के कैंडिडेट देवरावन को भी मैदान में उतारा गया। ऐसे में भले ही धीरन शाह बीजेपी से भले ही धीरन शाह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कमलेश की अगर बात करें तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या इस चीज को जनता समझ पाएगी? क्या लगता है, यहां इतनी सतर्क और एक्टिव जनता है? देखिए, ये अमरवाड़ा जो पूरा इलाका है, जो पूरी विधानसभा है, वो आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खासी पैठ रखती है, बड़ी तादाद में वोट भी ले जाती है। इस बार भी ये उम्मीद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को है कि उसे अच्छे खासे वोट मिलेंगे और इसका प्रभाव कांग्रेस पर और बीजेपी पर दोनों पर पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के अपने मानने, बीजेपी से जो उम्मीदवार है कमलेश शाह, वो कांग्रेस छोड़ के गए, वो अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या वोट शिफ्ट होगा। उनसे हमने 2 से 3 बार बात की तो उनका कहना विकास के नाम पर वोट पड़ेंगे, शिफ्ट की कोई बात नहीं है, क्योंकि विकास बीजेपी कर सकती है और ये एक बड़ा इशू है। उधर कांग्रेस का कहना है कि उनका परंपरागत वोट बैंक है आदिवासी, और वो वोट बैंक उनसे कहीं खिसकेगा नहीं, यही वजह है कि वो जीत दर्ज करा लेंगे। इस तरीके के दावे अपने अपने तीनों के हैं और मुकाबला त्रिकोणीय है।